राइट, कैमरा रोलिंग, एक्शन। नमस्ते, मैं हूं शेफ पंकज और शेफ पंकज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के लिए जो प्रिपरेशन आपके लिए हम लेके आए हैं वो काफ़ी सिंपल रेसिपी है, होममेड रेसिपी है। ये कतलियान आलू है जो कि आलू से मेन इसका इंग्रेडिएंट है। तो मेरे साथ आप चले आलू कतलियान बनाने के लिए। इसके लिए बेसिकली क्या क्या चाहिए, ये बॉइल्ड आलू एक लिए हैं। इसके लिए एक छोटी ऑनियन चाहिए, थोड़ा जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, उसके बाद जो मसाला में है। ये सारे प्रिपरेशन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कतलियान आलू बनाने के लिए। तो ये एक बॉइल्ड आलू है जो कि आप देख सकते हैं, इसको जस्ट पील करना है। तो इसको स्लोली पील इट और इसका साइड ट्रिमिंग्स निकाल सकते हैं आप। आलू जो होना चाहिए वो मतलब काफ़ी हल्का बॉईल करने का मतलब है कि आलू काफ़ी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में पैन में भी कुक होगा और उसके बाद थोड़ा फ्राई डीप फ्राई भी होगा। तो आप स्लाइट हाफ डन आलू या 70% तक आलू बॉईल कर सकते हैं, उसके बाद ये प्रिपरेशन के लिए अच्छा होगा। चले मेरे साथ और ये देखिए कतलियान आलू के लिए। इसमें शेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आलू लिए हैं, इसको आप चाहिए तो साइड से ट्रिमिंग कर सकते हैं ताकि आपको एक क्यूब्स और वो देखने के लिए खूबसूरत लगे। इस तरह से, वेरी गुड। इस तरह से आलू का साइड एज काट कर दिए हैं, जो कि आप एज भी यूज़ कर सकते हैं ये स्लाइस के साथ, लेकिन आपको एक शेप मिल जाएगा। इसके बाद इसको पतले स्लाइस कर सकते हैं। ये देखिए, ये पतले स्लाइस कर दिए आलू का। आप जैसा देख सकते हैं आलू कट गया है। तो ये आलू को फटाफट अभी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसके बीच में बाकी अदर वेजिटेबल्स भी कट कर लेंगे। ये देखिए, ये तेल को अभी थोड़ा गर्म होएगा। तो ये जो कतलियान आलू जो मैं आपको बता रहा था, तो इसका बेसिक इसका जो प्रिपरेशन है इसमें करी लीफ फ्लेवर्स है, तो करी लीफ का क्वांटिटी काफ़ी है। जब तक वो तेल गर्म हो रहा है हम लोग क्या करते हैं कि बाकी का जो कटिंग है वो सब क्या क्या जाएगा। तो करी लीफ एंड करी लीफ का जो फ्लेवर्स है, मतलब एक बार जब ये फ्रेश करी लीफ आप लेके आ रहे हैं और उसको तेल में जो भून रहे हैं, तो उसका खुशबू ही ये डिश को काफ़ी। तो ये करी लीफ वॉश किया हुआ पील कर लिए हैं, तो इसको फाइनली स्लाइस करना है। और ये फाइनली जो स्लाइस करेंगे इसमें भी एक थोड़ा सा आप ढेर सारा करी लीफ ले लीजिए और इसको हाथ से ऐसा मंच प्रेस कर दीजिए सारा करी लीफ को, ताकि आपको फाइन स्लाइस इसका मिल सके। और इसको ऐसा क्रश करके उसके बाद फाइन स्लाइस नाइफ से कीजिए। ये थोड़ा केयरफुल रहना होगा, नहीं तो क्या हो सकता है कि यदि हाथ से उतना अच्छा से नहीं पकड़ पाए तो थोड़ा सा हाथ कटने का चांस रहेगा आपका। लेकिन ये जस्ट इसको ऐसा, तो ये फ्लेवर्स देगा, ये जो मेन फ्लेवर डिश है आपका। आप देख सकते हैं कि ये आपका करी लीफ कैसा कट के आया है। तो ये देखिए, ये दिस इज़, तो ये करी लीफ एक पार्ट हो गया। इसके बाद इसमें एक फाइन चॉप ग्रीन चिली ले लेंगे, एक छोटा साइज़ का भी काफ़ी है, ये छोटा साइज़ का है, तो इसको स्लिट कर लीजिए 1/2। ये फाइन चॉप ग्रीन चिली हो गया। ये आपका ग्रीन चिली हो गया। एक दो
जस्ट 2 पीस गार्लिक, इसको भी फाइन चॉप कर लेते हैं। इनफैक्ट आपको जिंजर और गार्लिक का पेस्ट यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये खड़ा स्नैक्स टाइप का है तो यदि फाइन स्लाइस या फाइन चॉप्ड रहेगा तो उसका टेस्ट एक अच्छा आएगा। तो ये देखिए थिन स्लाइस आपका है, ये है गार्लिक और एक छोटा सा जिंजर, तो ये एक छोटा जिंजर का पीस लिए हुए हैं, इसको भी स्लाइस करके इसको भी फाइन स्लाइस करके चॉप कर लेंगे। इसका खुशबू मतलब आप जब बनाओगे तो ये करी लीफ जब ऑयल में फ्राई होगा तो उसका खुशबू एक मतलब करी लीफ डोमिनेंट डिश ये है। और इसके अलावा थोड़ा सा अनियन चाहिए, तो ये एक छोटा साइज़ का अनियन लिए, चाहिए तो इससे छोटा भी ले सकते हैं, हम इसमें पूरा यूज़ नहीं करेंगे। और इसको भी फाइनली चॉप, ये देखिए हम हाफ ही ले रहे हैं ताकि ये एक डिश के लिए काफ़ी है। इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया है तो इसको देखिए फाइनली चॉप। जब तक तेल गर्म हो गया है हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं। और तेल में डालते समय ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट तेल में मत डालिए, ये साइड में ऐसा करके डालिए, तो क्या होगा कि तेल ऊपर नहीं आएगा। और ये हल्का एक फ्राई करने से क्या होगा कि बॉइल्ड आलू है तो साइड में उसके कोटिंग कवर हो जाएगा, ताकि जब आप उसको सॉटे करें तो उसमें वो टूटे नहीं। और ये आइटम ऐसा है कि आप इसको स्नैक्स के साथ या इस पे कॉम्बिनेशन हो कुछ, यदि करी के साथ आपको मतलब राइस के साथ या चपाती के साथ, तो एज अ फ्राई आइटम या फ्राई स्नैक जो होता है वैसा आप ट्रीट कर सकते हैं इसको। और ये रेसिपी क्या है कि आलू सिंपल सा आलू है जो हर घर में मिलता है, और ये आलू का प्रिपरेशन है जो कि यदि बॉइल्ड आलू है तो हार्डली आपके पास 8 से 10 मिनट में ही आप डिश तैयार कर सकते हैं। आप जैसा देख सकते हैं हल्का लाइट गोल्डन कलर आना है, तो इधर हम लोग सारा काट लिए हैं। ये है मेरा करी लीफ कट वाला है, ग्रीन चिल्ली है, गार्लिक है, आपका जिंजर है और चॉप अनियन है। सो एक बार ये फ्राई हो जाए उसके बाद वी कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन। आप जैसा देख सकते हैं कि ये गोल्डन कलर, लाइट गोल्डन कलर में आ गया है, तो ये इसका राइट टाइम है इसको निकालने का। बस आप इसको ऐसा ऑयल से निकाल ले। अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका प्रिपरेशन के लिए, अब जैसा आप देख सकते हैं कि पैन ले लिए हैं, ये जस्ट 4 टीस्पून ऑफ ऑयल, एक ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। एक बार ऑयल जब गर्म हो गया तो जस्ट 1/8 मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, और ये 1/2 टीस्पून आपका जीरा, ये दोनों को रोस्ट करेंगे। हल्का सा मस्टर्ड से क्रैकलिंग साउंड स्टार्ट हो गया, मतलब आपका ये मस्टर्ड हो गया है। तो इसके बाद विल टेक ये चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक, चॉप ग्रीन चिल्ली, ये हल्का फ्राई करेंगे इसके साथ।
ये स्लाइट इसको स्लाइट मीडियम फ्लेम में कर सकते हैं, और एक बार जब ये आपका हल्का सा फ्राई आ गया, हल्का एक गोल्डन कलर स्लाइट, फिर अनियन डालेंगे। देखिए ये आ गया, ये अब अनियन डाल सकते हैं। सो ये चॉप अनियन डाल दिए, और ये करी पत्ता को लास्ट में डालेंगे, क्योंकि करी पत्ता को उतना कुक नहीं करना चाहते, नहीं तो एक बार वो ऑयल में ज़्यादा कुक हो गया तो उसका एक एरोमा थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए उसको थोड़ा फ्रेश रखने के लिए उसको लास्ट में डालेंगे करी पत्ता को। ये आप देख सकते हैं ये बेहतरीन कलर आ रहा है, तो स्लो करेंगे और अब जो है हल्का करी पत्ता डालेंगे। सो करी पत्ता आप देख सकते हैं एक ऑलमोस्ट 3 teaspoon के आसपास चॉप्ड करी पत्ता 3 teaspoon के पास आएगा। इसको इसके साथ हल्का मिक्स करेंगे, और अब आया पूरा मसाला डालने का। तो मसाला आप जैसा जानते हैं, सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, हम 1/2 teaspoon डाल रहे हैं, हाफ से थोड़ा कम। उसके बाद इसमें जो आपका ये टर्मरिक है, हल्दी पाउडर, एकदम 1/8 pinch ले जाएगा स्लाइट। उसके बाद थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो 1/2 teaspoon चिल्ली पाउडर, 1/2 teaspoon आपका ये धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon, और ये है जीरा पाउडर, जो भी 1/2 teaspoon डाले हैं। इसके बाद इसको स्लोली मसाला के साथ अच्छा एक, जब आप मसाला डालेंगे तो एक थोड़ी देर के बाद आपको मसाला का खुशबू आएगा, तो इससे ये पता चलता है कि आपका मसाला ऑलमोस्ट पक गया है। सो मसाला को इस पर थोड़ा देर, यदि लंबा छोड़ दे आप, ज़्यादा छोड़ दीजिएगा तो मसाले का एक जलने का टेस्ट आ जाएगा। तो उसके पहले ये आप डाल सकते हैं, ये आप जो आलू है, और ये आलू के साथ अब इसको टॉस करना है। ये देखिए ये देखिए आलू को हल्का फ्राई करके इसके साथ, इसमें अभी एक आइटम नहीं डाले हैं, जो कि ऊपर से डालेंगे हल्का चाट मसाला। गैस बंद कर दिए, ये देखिए आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेटिंग के बाद इसमें काला नमक नहीं डाले थे, जो कि एक ऊपर से हल्का सा टेस्ट के लिए पिंच ऑफ सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, और यदि ये स्पून से है तो जस्ट हाथ से ऐसा हल्का सा स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो ये आपका काला नमक डिश को इन्हेंस करेगा, टेस्ट को फाइनल। और इसका गार्निश के लिए, चूँकि ये आपका करी ली साइड में गार्निश, सो ये आपका डिश है कतलेआन आलू। तो आप ट्राई करें, अपना फीडबैक शेयर करें, और यदि शेफ पंकज यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप अपना फीडबैक हमको शेयर करें। अब आता है इसको टेस्ट करके। तो जैसा मैं बताया कि इसको आप स्नैक्स के जैसा और कुछ कड़ी के साथ भी ले सकते हैं। करी लीफ का जो फ्लेवर है वो थोड़ा फ्राई होने के बाद उसका एक क्रंचीनेस आ रहा है, हल्का सा स्पाइसी भी है बिकॉज ग्रीन चिली गया है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द गुड डिश, यू कैन ट्राई एट होम, आप ट्राई करके फीडबैक दो।